चीज़ी पिज़्ज़ा रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आओ देखते हैं। ये हमने लिए हैं लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन चॉप किया हुआ और प्याज, इन सबको बारीक स्लाइस की काट ले। ये हमने लिया है मोज़रेला चीज़ जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हम लेंगे थोड़े से सॉस वगैरह, ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है, ये आसान से कहीं भी मिल जाएंगी। ये है रेड चिल्ली सॉस, ये है डार्क सोया सॉस और ये है टमाटो केचप, ये है रेड चिल्ली सॉस और ये है बटर जो हमें उसे रोटी को सेकने के लिए लगेगा। और ये है मैदे का, हमने सादा आटा गूंदा है नमक तेल डालकर और उसके पेड़े बना लिए। अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल के उसको में थोड़ा सा लहसुन हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी कच्ची बास निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, फिर रेड वाली शिमला मिर्च, फिर उसके बाद डालेंगे हम ग्रीन शिमला मिर्च और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बस बिल्कुल हल्के हाथ से। फिर इसमें डालेंगे टमाटर, और इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पर 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे हल्का सा ताकि वो थोड़ी कुरकुरी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच, थोड़ा और 1 से 1.5 चम्मच के करीब बिल्कुल बस। फिर अब इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली सॉस, वो भी 1 या 1.5 चम्मच के आसपास। फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच फुल भर के सोया सॉस और इन चीज़ों को हम मिला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह ताकि सॉस सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हम वो टॉपिंग निकाल देंगे और उसके बाद तवा गरम करने के लिए रख देंगे और उसी गूंदे हुए आटे से छोटे से पेड़े बनाकर पतली रोटी बेलेंगे। बिल्कुल अपनी जैसी हम डेली रोज़ाना घर में बनाते हैं रोटी बस बिल्कुल उसी साइज़ की पतली ताकि हम उसको ऐसी उठाएं तो हमारे ऐसी दिखने होना पतली। मैं ये लो बस हमारी रोटी हो गई तैयार। इस पर से हम दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेंगे बस बिल्कुल ऐसा हल्का सा। और बिल्कुल उसी साइज की एक दूसरी रोटी और बेलकर हम तैयार कर लेंगे। और ये जो रोटी हमारी तवे पर है इस पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और दोनों तरफ से उसको बटर लगा के हल्का सा बस बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा बटर लगा के दोनों साइड से उसको सेक लेंगे। बोल
जो दूसरी रोटी हमने तैयार की है बेली है, उसको बिल्कुल इसी तरह से हम सेक कर हल्का सा बटर लगा के उसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए ये इस तरह तैयार करिए। अब हमने रोटियाँ सेक ली, उसमें से एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर पिज्ज़ा टॉपिंग लगाएंगे। एक चम्मच से डेढ़ चम्मच के करीब उस पर पिज्ज़ा टॉपिंग जितनी अच्छी होगी वो रोटी उसका मज़ा उतना ही अच्छा आएगा। ये हमने पिज्ज़ा टॉपिंग डाल दी है, अब उसको चम्मच की मदद से फैला लेंगे पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से, ताकि रोटी पे सॉस पूरे पिज़्ज़ा सॉस पूरी तरह से लग जाए। देखिए इस तरह, एक मिनट रोक दो उसको तरह। और अब हम फिलिंग लेंगे जो हमने तैयार की है सब्जी की, उसे चम्मच की मदद से रोटी पर डालकर फैला लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मैंने उसको किस तरह फैलाया, बिल्कुल इसी तरह। और उस पर अब डालेंगे हम जो हमने चीज़ कद्दूकस करके रखी हुई थी, वो चीज़ हम उस पर पूरी अच्छी तरीके से फैला लेंगे, ताकि जब ये हमारी रोटी सेकने के बाद हम निकालें तो उसमें पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जब ये देखने में इतना है तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब ये जो दूसरी रोटी हमने तैयार की थी ये उसके ऊपर डाल के हमने उसको दोनों तरफ से हल्का सा सेक लिया है बटर लगा के। कटिंग तो कर दूँ। ये हमारे पिज्ज़ा रोटी बिल्कुल तैयार हो गई। ये हमारे बटर लगा कर सेकने से इतनी कुरकुरी हो जाती कि उसका मज़ा तो बस बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और मज़ेदार है एकदम। ये हमने इसे छुरी की मदद से कट कर लिया है। देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ। इजीली कट हो जाती है, बस ये थोड़ी गर्म है इसलिए। ये हमारी पिज्ज़ा रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, और ये उसके अंदर की फिलिंग और ये चीज़ वगैरह। और अब इसके बाद हम बनाएंगे उसी टॉपिंग से, उसी रोटी से दूसरा रोल, जिसे हम पिज्ज़ा रोल बोलेंगे। देखिए हमने उसी तरह रोटी बेली, उसे हल्का सा सेका है, उसके ऊपर पिज्ज़ा टॉपिंग, बिल्कुल बस बिल्कुल वही सब कुछ। बस इतना है कि वो हमने डबल रोटी ली थी, इसे हम सिंगल रोटी में फोल्ड करके रोल बना लिए। अब इसको हम बटर लगा के इसको भी अच्छे से सेक लेंगे, ताकि ये भी अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए, हल्की गुलाबी। देखिए देख आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी अच्छे से बिल्कुल ऐसी सिक गई है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस बिल्कुल जब 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे इसको बनाने के लिए। देखिए हमारा रोल कितनी अच्छे तरीके से सीख गया है। ये हमने इसे प्लेट में निकाले, अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने इसे कट किया है। अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो आप दूसरी चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल भूल जाएंगे। हल्की सी भूख हो या बच्चों को टिफ़िन वगैरह में देना है तो आप इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट में बिल्कुल आराम से बहुत कम टाइम में इतनी अच्छी मज़ेदार चीज़ बना लेंगे।